नेक्स्ट इज़ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट सेक्शन 11। सेक्शन 11 डील करता है कि अगर एक पर्सन जो है, मतलब इसमें पहले बात ये आती है कि कौन कौन से कोर्ट जो है वो प्रोबेशन पे पर्सन को रिलीज़ कर सकती है। सबसे पहले तो वो कोर्ट जिसने उसको ट्राई किया और सेंटेंस दिया वो भी उसको प्रोबेशन पे छोड़ सकती है। सेकेंड इज़ बाय द हाई कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट है जिसके सामने आप अपील डाल सकते हो, आप रिविज़न कर सकते हो, तो उन सब कोर्ट के पास पावर है किसी भी पर्सन को प्रोबेशन पर छोड़ने के लिए। अब बात आती है कि जब आपने 3 और 4 के अंदर कोई भी ऑर्डर पास किया है जिस कोर्ट ने ट्राई किया है और उसकी जो अपील होती है उस कोर्ट के पास जाती है, जो ऑर्डिनरी उस कोर्ट से जाती है, तो वो कोर्ट भी उसको प्रोबेशन पे छोड़ सकती है। अब बात आती है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिसको प्रोबेशन पे छोड़ा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, तो जो अपीलेट कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है, चाहे वो अपनी रिविज़न अपीलेट कोर्ट होगी और हाई कोर्ट अगर वो अपनी रिविज़न के अंडर वर्क कर रही है, तो वो इस ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ। पर ये है कि वो अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट रिवीजन केसेस के अंदर वो अपने से जो उस कोर्ट है जिसने उसको वो पनिशमेंट दी है उससे ज़्यादा पनिशमेंट इन्फ्लेक्ट नहीं करेगी। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है जो कि 21 ईयर्स से छोटा है बच्चा, पर उसने कोई ऑफेंस किया है और कोर्ट ने जिसने उसको इम्प्रिजमेंट दिया है वो सेक्शन 3 और 4 के अकॉर्डिंगली उसने उसको कुछ भी प्रोबेशन पे नहीं छोड़ा है और जिसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं है या फिर अपील तो है पर वो प्रेफर नहीं की गई है, तो ऐसे केसेस में तो जो कोर्ट है वो ऑन इट्स ऑन मोशन या फिर जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो एप्लीकेशन लगा देता है कोर्ट के अंदर। और फिर कोर्ट क्या करती है, उसके सारा रिकॉर्ड होती है केस का, उसको कॉल करती है, उसको एग्जामिन करती है और अगर उसको ऐसा लगता है कि इसको प्रोबेशन पर छोड़ना चाहिए तो वो उसको प्रोबेशन पर भी छोड़ देती है। अब बात आती है सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 में प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में बात कर रखा है। जो प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो कि सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल एक्ट के अकॉर्डिंगली है, ये मेंशन है सेक्शन 15 के अंदर। और सेक्शन 13 के अंदर आता है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अगर मान लीजिए कोई अपॉइंटेड नहीं है तो जो स्टेट सोसाइटी है जो कि रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट है तो वो सोसाइटी भी प्रोवाइड कर देती है किसी भी पर्सन को एज ए प्रोबेशन ऑफिसर। और थर्ड ये है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है सरकमस्टांसिस में तो कोर्ट किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एज ए प्रोबेशन ऑफिसर। पर यहाँ पे एक ऑप्शन है कि कोर्ट है चाहे वो चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है जिसके अंडर कोई पर्सन रहता है, जिसके ज्यूरिडिक्शन में कोई पर्सन रहता है और उसके लिए कोई प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, तो वो कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस प्रोबेशन ऑफिसर को हटा के अपनी तरफ से कोई प्रोबेशन ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकता है। मीन्स जो पहले प्रोबेशन ऑफिसर है वो उसको सुपरवाइज करने के लिए था, तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जो कोर्ट है वो उस प्रोबेशन ऑफिसर को चेंज कर सकते हैं। और अब जो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर ही वर्क करती है। अब बात आती है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर की सबसे पहले ड्यूटी होती है कि रिपोर्ट प्रोबेशन पर छोड़ने से पहले उसको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो वो इंक्वायरी करेगा पूरे केस की, उसका नेचर ऑफ द केस और सरकमस्टांसिस और बंदे का करेक्टर ऑफ एन ऑफेंडर, इन सबको पता लगाएगा। सेकेंड है कि वो जब प्रोबेशन पर छोड़ दिया तो उसको सुपरवाइज करेगा, उसकी हेल्प करेगा, उसको जॉब दिलाने में हेल्प करेगा, उसके बाद उसको एडवाइस, अगर उसके ऊपर कंपनसेशन और कॉस्ट लग गया सेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली तो उसको एडवाइस और असिस्ट करेगा कि वो इस कॉस्ट को और कंपनसेशन को पे करे, और या फिर उसको एडवाइस करेगा जिस भी तरीके से मेंशन है सेक्शन 4 में कि आपने इसको इंटॉक्सिकेंट से दूर रखना है या वो करना है, तो उस तरीके से या कोई और जो ड्यूटीज़ हैं उसको परफॉर्म करेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सेक्शन 16 में कि अगर प्रोबेशन ऑफिसर ने या फिर किसी और पर्सन ने इस एक्ट के अकॉर्डिंगली गुड फेथ में अगर कोई वर्क किया है तो उसके लिए वो पनिशेबल नहीं होगा।